यही चल रहा था ना। गीता माता यही कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा दिख नहीं रहा है, अभी दिख रहा है, देखिए तो। हाँ, या अभी आ गया ना। हाँ तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि पवर्ग फवर्ग अपवर्ग संस्कृत ग्रामर का, तो चाहे हम लोग मनुष्य रहे या देवता हो ब्रह्मा हो, इसको हम लोग को इस स्थिति से गुजरना पड़ेगा। तो अपवर्ग होने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करना, तो लॉस एंजलिस में श्रील प्रभुपाद यही चीज बोले, और न्यू वृंदावन में कि ओ नारायण आदि देवम सम्मुखम संगे ऋषितो पवर्ग। पवर्ग का अर्थ होता है कि इस भौतिक जगत के कष्टों से मुक्ति पाना, और फिर वही चीज आया है फेयरफुलनेस डेथ पवर्ग अपवर्ग कॉन्टेक्ट पवर्ग। सो इन लाइफ विथ ट्राई टू एसोसिएट विथ डिवोटीज, मतलब भक्तों का संग करने से ही, और नारायण की सेवा मतलब भगवान की नारायण की सेवा करने से ही हम लोग क्या होगा ना, जो पवर्ग है वहां से अपवर्ग हो जाएंगे। टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र एंड टेक प्रसादम, भगवान का प्रसाद खाना, तो ये क्या कोई कठिन कार्य है हमारे लिए? नहीं, तो देयर इज नो डिफिकल्टी, सो इट इज सो प्लेजिंग, तो ये बहुत ही आनंददायक है। तो इसीलिए भगवद गीता में कहा गया कि सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भगवद गीता के नवम अध्याय के द्वितीय नंबर श्लोक में बताया कि सुसुखम मतलब वेरी इजी एंड प्लेजिंग टू एग्जीक्यूट, बहुत ही सुख पूर्वक किया जा सकता है। एंड सुसुखम कर्तुम एंड अव्ययम, कि आप जो भी करेंगे दैट इज परमानेंट, वो हमेशा के लिए रहेंगे। सो डोंट वेट फॉर अनदर लाइफ, जैसे कल जो लक्ष्मी क्लास दे थी तो उसमें बोल रहे थे, तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद का क्या कहना है कि व्यक्ति को इतना परिश्रम होना है कि सो डोंट वेट फॉर अनदर लाइफ, कि मैं दूसरे जीवन में भगवान के धाम में चला जाऊंगा, जैसे संतोष प्रभु जी का क्वेश्चन आंसर होता है, तो मैं प्रभुपाद का जो उदाहरण दिया यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे, वॉट एवर यू डू दैट इज परमानेंट, आप जो कुछ भी आप करेंगे अभी भक्ति वो हमेशा के लिए रहेगा। सो डोंट वेट फॉर अनदर लाइफ, तो दूसरे जीवन की प्रत्यक्ष मत करो। आई हैव डन सो मच परमानेंट, मैं बहुत कुछ स्थाई के लिए कर, नाउ अगेन फिर करना है, नो फिनिश दिस बिजनेस इमीडिएटली इन दिस लाइफ, इस बाथरूम से निकल जाना है। डू नॉट वेट फॉर सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ऐसा नहीं कि बार बार आपको सुसुखम कर्तुम अव्ययम मिलेगा। कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स फुली बिकम डिटेच With this material enjoyment, मतलब जो कृष्ण भक्ति के पथ में आता है वो पूर्ण रूप से इस जगत का जो सुख है इनसे विपरीत होता है। तो सिंपली बिकम एंगेज इन कृष्ण सर्विस, श्री भगवान कृष्ण की सेवा के माध्यम से योर लाइफ विल बी सक्सेसफुल, आपका जो जीवन वो सफल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर श्रीमद भागवतम के पंचम स्कंध के दसम अध्याय के 13 नंबर श्लोक में बताया, क्या बताया है कि हम लोग कहाँ तक आए, धर्मस्य हि परमगस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते, ये दो हुआ। हाँ देखिए सभी भक्तगण, धर्मस्य हुआ, ये उपवर्गस्य भी हुआ इस श्लोक में, इसके बाद क्या है नार्थो अर्थाय उपकल्पते। गीता माता जी इधर ध्यान दीजिए, नार्थो अर्थाय उपकल्पते, हाँ तो इसका अर्थ हम लोग अभी जानेंगे, इसका अर्थ जानेंगे। ये देखिए पढ़िए तो माताजी, हे राजन से। हे राजन, आपने कहा रे दुष्ट जड़ तथा पागल, मैं तुम्हारी चिकित्सा करने जा रहा हूँ और तब तुम होश में आ जाओ। इस संबंध में मुझे कहना है कि यद्यपि मैं जड़ गूंगे तथा बहरे मनुष्य की भांति रहता हूँ, किंतु मैं सचमुच एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हूँ। आप मुझे दंडित करके क्या पाएंगे? यदि आपका अनुमान ठीक है और मैं पागल हूँ तो आपका यह दंड एक मरे हुए घोड़े को पीटने जैसा होगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। ये पागल तो दंडित किया जाता है तो उसका पागलपन ठीक नहीं होता। यस, यहाँ पर क्या बता रहे हो, जब हम लोग जो श्रवण कर रहे थे कुछ दिन पहले कि जड़ भरत
महाराज रहुगण को पालकी में लेकर जा रहे थे गंगा सागर भागवत कथा सुनाने के लिए। तो जब इधर आका माका चल रहा था जड़ भरत, तब वो बोले कि रे दुष्ट जड़ तथा पागल, मैं तुम्हें अभी पीटूंगा, तुम्हारी चिकित्सा करने जा रहा हूँ, तो तब तुम होश में आओगे कि कैसे चलना है सीधा सीधा, आका बांका चलते मुझे कष्ट नहीं हो रहा पालकी के अंदर। तो इस संबंध में जड़ भरत बोल रहे कि यद्यपि मैं जड़ मूर्ख गूंगा तथा बहरे मनुष्य की भांति रहता हूँ, किंतु मैं सर सचमुच रियल में क्या हूं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, मतलब शास्त्रों को ज्ञान से परिचित व्यक्तित्व हूं मैं, यद्यपि मैं रहता हूँ गूंगा बहरा तथा जड़ मूर्खों की तरह, तो आप मुझे दंडित करके क्या पाएंगे। यदि आपका अनुमान ठीक है और मैं पागल हूं, तो आपका यह दंड एक मरे हुए घोड़े को पीटने जैसा होगा। क्योंकि आप किसको पागल मान रहे हैं, जड़ रघुगण को बोल रहे हैं, मेरे शरीर को जो गूंगा है बहरा है तथा जड़ है, लेकिन मैं सचमुच क्या हूँ, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हूँ। तो आपका जो आप जो मुझे मारेंगे तो किसको मारेंगे, आप शरीर को मारेंगे जबकि मैं शरीर हूं नहीं। इसके लिए आपका यह दंड मेरे लिए एक मरे हुए घोड़े को पीटने जैसा होगा, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। उदाहरण दिया कि जब पागल को दंडित किया जाता है तो उसका पागलपन ठीक नहीं होता है, पागल को ट्रीटमेंट अलग रूप से दिया जाता है, दवाई के माध्यम से किया जाता है, उसको अगर आप दंड देंगे मारेंगे चाबुक से तो पागलपन थोड़ी ठीक होगा। तो यहाँ पर जो नार्थ अर्थात उपकल्पते जो शब्द आया है, नार्थ अर्थ उन्मत्तम जड़वस्तु स्थान गतस्य वीर चिकित्सितेन अर्थ क्रियान भवता शिक्षितेन स्तब्ध प्रमतस्य च इष्टपेश। इसके बाद आया है वही नार्थ अर्थाय उपकल्पते श्रीमद भागवतम के तृतीय स्कंध के प्रथम अध्याय के 45 नंबर श्लोक। यहाँ पर अर्थाय शब्द का आया, अर्थाय अर्थाय जातस्य कि तस्य प्रपन्न अखिल लोकपानम अवस्थितानम अनुशासन स्वे अर्थाय जातस्य जदुस्तजस्य वार्ताम सके कीर्तय तीर्थ कीर्ते। मतलब विदुर जो विदुर उद्धव से पूछना चाह रहे किस लिए कि अतवद हे मित्र उन भगवान की महिमा का कीर्तन करो जो तीर्थ स्थानों में महिमांडित किए जाने के निमित्त है, वह अजन्मा है फिर भी ब्रह्मांड के सभी भागों के शरणागत शासकों पर अपनी अहेतु की कृपा द्वारा वो प्रकट होते, तो उन्हीं के हितार्थ वो अपने शुद्ध भक्त जदुओं के परिवार में प्रकट हुए। तो यहाँ पर विदुर उद्धव से किस चीज की अपेक्षा की गई कि भगवान कृष्ण की महिमा कीर्तन की तीर्थ स्थानों में महिमांडित किए जाने के निमित्त है। जब हम लोग तीर्थ स्थान जाते तो तीर्थ स्थान इतना पवित्र क्यों होता है, क्यों रहता है, क्योंकि वहां पे भगवान का महिमा का कीर्तन होता है। तो उसी प्रकार हम लोग अपने जीवन में अगर भगवान की महिमा का कीर्तन अगर हम लोग अपने जीवन में ढालेंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर भी एक तीर्थ स्थान जैसा महिमान्वित होंगे। तो अजन्मा है फिर भी ब्रह्मांड के सभी भावों के शरणागत शासकों पर अपनी अहेतु की कृपा द्वारा वो प्रकट होते। भगवान यहाँ पर क्यों आते हैं, क्यों प्रकट होते, भगवान जन्म क्यों लेते हैं, उन्हीं के हितार्थ अपने शुद्ध भक्त जदुओं के परिवार में प्रकट हुए। भगवान का इस संसार माने का कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि वो अजन्मा है, लेकिन फिर भी शरणागत शासक मतलब बहुत सारे शासक है जो भगवान पर सब कुछ छोड़ते, हे प्रभु मैं राजा भी बना हूं तो आप ही की कृपा से, तो कृपा करके आप अपने लीला प्रदर्शन कीजिए ताकि जगत के लोग उद्धारित हो आपकी लीला कथा श्रवण करके। तो इस तरह भगवान की महिमा तो विदुर उद्धव से प्रश्न कर रहे। अर्थाय अर्थाय शब्द से हम लोग को क्या समझना है, एक एक वाट को लिख के पॉइंट आउट करके रखना है। अर्थ का अर्थ क्या होता है, काम का अर्थ क्या होता है, तस्य का अर्थ क्या होता है, अर्थ का अर्थ है ना, कीर्तय का अर्थ कहते तीर्थ कीर्त्य का अर्थ क्या होता है। क्योंकि जितना हम लोग शास्त्र ज्ञान को जानेंगे उतना ही हमारा भगवत धाम का मार्ग प्रशस्त होगा। तो अर्थाय का अर्थ हम लोग समझ गए कि अर्थाय का अर्थ होता है हमारे जीवन में कृष्ण को जितना हम लोग जानेंगे उतना ही हमारे जीवन मंगलमय होगा, उतना ही हमारे जीवन अर्थपूर्ण होगा। फिर लाभाय लाभ का अर्थ क्या होता है, लाभाय हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो, काम का अर्थ हम लोग समझे, काम का अर्थ क्या है,
इंद्रिय तृप्ति के लिए। यहाँ पर देखिए काम, काम का अर्थ होता है इंद्रिय तृप्ति के लिए। लाभाय तो लाभ, तो लाभाय का एक, हम लोग यहाँ पे एक श्लोक का ये किए है, सिलेक्शन किए है। लाभाय का अर्थ यहाँ पर दिया गया है कि भगवान अपनी माया के माध्यम से इस विराट जगत के सृजन पालन तथा संहार का कार्य करते, जिससे वह अपनी दया से जीव का उद्धार कर सके और जीव के जन्म मृत्यु तथा भौतिक जीवन की अवधि को रोक सके। इस तरह जीव को भगवत धाम लौटने में सक्षम बनाते हैं। हमारे जीवन, मनुष्य जीवन का लाभ क्या है कि भगवान अपनी माया के माध्यम से क्या किया, इस भौतिक जगत का सृजन किया, पालन कर रहे तथा तो संहार कार्य करते हैं, और जिससे अपनी दया से जीव का उद्धार कर सके और जीव के जन्म मृत्यु तथा भौतिक जीवन की अवधि को रोक सके। तो इस तरह हमारे लिए क्या करता है, हम लोग को भगवत धाम ले जाने के लिए भगवान तरह तरह की योजना बनाते हैं। तो यहाँ पर बताया कि असली धर्म कृष्ण की शरण ग्रहण करना है, लेकिन विद्रोही जीव कृष्ण की शरण न ग्रहण करके कृष्ण जैसा बनने के लिए संघर्ष के दौरान अधर्म में लग जाता है। अतः कृष्ण अनुग्रहवश जीव को अपनी असली स्थिति समझने के लिए अवसर प्रदान करने की सृष्टि की रचना करते हैं। तो भगवत गीता तथा ऐसे ही वैदिक ग्रंथ इसलिए भेंट किए जाते हैं कि जीव कृष्ण से अपने संबंध को समझ सके। यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, हमारे जीवन में लाभ क्या है, लाभ लाभाय, हमारे जीवन में लाभ क्या है कि भगवत गीता तथा ऐसे ही वैदिक ग्रंथ इसलिए भेंट किए जाते हैं कि जीव मतलब हम सब कृष्ण से अपने संबंध को समझ सके। हमारे जीवन का लाभ क्या है कि हम सब कृष्ण से किसी न किसी रूप में जुड़े हैं, लेकिन उस संबंध को भूल चुके हैं, तो संबंध को कैसे पुनः जागृत करेंगे, भगवत गीता तथा ऐसे ही प्रतीक ग्रंथों की सहायता से। तो भगवान श्री कृष्ण अनुग्रहवश कृपावश जीव को हमारी असली स्थिति को समझाने के लिए इस सृष्टि की रचना करते हैं। तो हम लोग समझ गए लाभाय। इसके बाद क्या है शब्द लाभाय के बाद, लाभाय ही स्मृत, ये बाकी है हमारा स्मृत, स्मृत। तो स्मृत इसका अर्थ हम लोग थोड़ा समझते हैं, स्मृत ये देखिए, ये कौन सा श्लोक है, श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के द्वितीय अध्याय के 25-26 श्लोक। एस आत्म विपर्यासो हलिंगे लिंग भावना एस प्रिया प्रियर्जोगो विजोगो कर्म संस्कृति संभवश्च विनाशश्च शोकश्च विविध स्मृत अविवेकश्च चिंता च विवेक स्मृतेरेव च। मतलब मोहावस्था में जीव अपने शरीर तथा मन को आत्मा स्वीकार करके कुछ व्यक्तियों को अपना सगा संबंधी और अन्यों को बाहरी लोग मानने लगता है। मोहावस्था में जीव मतलब हम सब, कि ये मेरा मामा का लड़का है, वो मेरे मौसी का भांजी है, ये है वो है, ये आत्मा की मन को आत्मा, आत्मा को आत्मा स्वीकार करके नहीं, बल्कि जीवात्मा मोहावस्था में क्या करते है, जीव अपने मन तथा शरीर को ही अपना आत्मा मानकर क्या करते है? कुछ व्यक्तियों को अपना सगा संबंधी और अन्य को बाहरी लोग मानने लगता है। इस भ्रांति के कारण उसे कष्ट भोगना पड़ता है। तो निसंदेह ऐसे मनोभावों का संचय ही सांसारिक दुख और तथा कथित सुख का कारण बनता है। इस प्रकार स्थित होकर बद्ध जीव को विभिन्न योनियों में जन्म लेना होता है। देखिए हम लोग को कितना सुधरना है, अगर हम लोग पूर्ण रूप से अगर दूसरे योनि में नहीं जाना चाहते तो हम लोग को आत्म साक्षात्कार में कितना जल्दी प्रगति करना चाहिए। निसंदेह से मनोभावों का संचय ही सांसारिक दुख और तथाकथित सुख का कारण बनता है। इस प्रकार स्थित होकर बद्ध जीव को विभिन्न योनियों में जन्म लेना होता है और विभिन्न चेतनाओं में कर्म करना पड़ता है, जिससे नवीन शरीरों की उत्पत्ति होती है। तो ये सतत भौतिक जीवन संसार कहलाता है। संसार हम लोग जानते हैं संसार का अर्थ क्या है, ये कि जन्म मृत्यु शोक मूर्खता तथा चिंता, ये सब ऐसे भौतिक विचारों के कारण होते हैं। तो इस तरह हम कभी उचित ज्ञान प्राप्त करते हैं तो कभी जीवन के भ्रांत धारणा के पुनः शिकार बनते हैं। तो जीवन का उचित ज्ञान कहाँ पर दिया गया, श्रीमद् भागवतम में।
और बाकी सब जहाँ पे हम लोग को ज्ञान कि जीवन के भ्रांत धारण के शिकार बन जाते हैं, ये मेरे मौसी का लड़का है, ये मेरे फूफा, ये मेरे बुआ का मासी का लड़का का लड़का का, ये सब में हम लोग इस जगत के बद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। तो श्रीमद भागवतम का क्या कहना है, स्मृत व्यक्ति को स्मृति में लाना है कि हम आत्मा है और आत्मा के अनुसार मुझे काम करना है इस जगत में रहते हुए ही। सबको अपना मौसी भी मानो, बुआ भी मानो, लेकिन अंतर में स्मृत भगवान कृष्ण की भक्ति करो। सब समय अपने संबंध कृष्ण के साथ क्या संबंध है उनके विषय में सोचना जानना ही हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो हमारा ये कंप्लीट हुआ स्मृत शब्द से। इसके बाद प्रभुपाद जहां जहां क्लास दिए ने, आपका वृंदावन, वृंदावन उत्तर प्रदेश, न्यू वृंदावन अमेरिका, हैदराबाद यूनिवर्सिटी लेक्चर, दिल्ली, तो इस प्रकार हमारा जो आज का जो कक्षा, आज के जो क्लास श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के द्वितीय अध्याय का 9 नंबर श्लोक हम लोग लगभग पाठ किए, समझे। हाँ, तो हम लोग को सर्वदा एक चीज ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं जाना है, क्वालिटी में जाना है। हम लोग को क्या मिल रहा है, कितना लोग हमारे जूम क्लास में जुड़ रहे, कितना लोग हट जा रहे। इस संसार में 850 करोड़ जनसंख्या है, क्या सभी भागवतम क्लास में आता है? मेरे गुरु महाराज उदाहरण देते हैं कि जब मैं उज्जैन में इस्कॉन टेम्पल इस्टेब्लिश किया तो रानी मुखर्जी आए थे उसको स्थायी करने के लिए, फीता काटने के लिए। तो पूरा उज्जैन के लोग टेम्पल उद्घाटन के लिए नहीं आए थे, बल्कि रानी मुखर्जी को देखने के लिए आए थे, है ना। तो इसीलिए हम लोग को क्वांटिटी में नहीं जाना कि कितना लोग जूम क्लास ज्वाइन किए, हम लोग को क्वालिटी में जाना है कि प्रभुपाद की विचारधारा को हम लोग अपने जीवन में कितना समझ पा रहे। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा प्रश्न उत्तर लेते हैं, अभी हमारे पास 10 मिनट समय है 6 बजने में, तब हमारा आज का क्लास यही पर विराम देंगे। तो यहाँ पर गोपाल सिंह प्रभु जी है, कोमल डाली प्रभु जी है, दलिया चक्रवर्ती माता जी, विश्वनाथ प्रभु है, नंदकिशोरी माता जी, राकेश प्रभु जी और गीता माता जी, इन्हीं में से जो भी जिसका कुछ प्रश्न हो, फीडबैक हो, कॉमेंट हो, वो बोल सकते हैं। विश्वनाथ प्रभु जी अभी कैसा लग रहा है प्रभु जी, आपका तबियत अभी भी आप बिस्तर में ही है ना? तो करंट भी नहीं है और मेरा इसमें अभी पावर भी खत्म होने वाला है। अच्छा, चलिए प्रभु जी, फिर भी ऐसी स्थिति में जो भागवत की कथा को 3 घंटा श्रवण की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इस संबंध में कुछ बोलना चाहेंगे प्रभु जी? नहीं प्रभु, आज ठीक ढंग से सुना भी नहीं, क्योंकि पढ़ना है, पढ़ेंगे देखेंगे कल। हाँ ठीक है, थोड़ा सा लगने से कल पढ़ेंगे थोड़ा सा, और यूट्यूब में सुनेंगे जरूर, उसके बाद देखेंगे। चलिए गीता माता जी, सार तो वही है। हाँ। लेकिन सार तो वही आ रहा है, जो भगवतम पढ़ना है, सुनना है, श्रवण करना है, शरण करना है। हम कहाँ भी कैसे भी रहे, उसको शरण में लाना है हमेशा के। यही है तो मेन बात, तो सार ही बारंबार एक ही चीज आएगा। इसीलिए प्रभुपाद एक जगह में लिखा है कि इतिहास को दोहराता है, इतिहास बारंबार एक ही चीज को दोहराता है, है ना। तो वही चीज हम लोग आते। चलिए गीता माता जी का कुछ प्रश्न होगा या कुछ फीडबैक या कमेंट कुछ तो होगा ही माता जी का। आपका आवाज नहीं आ रहा माता। जो बोले जेल खाने से अपन को छूट कर जाना है। हाँ। जैसे इस दुनिया में जैसे कुत्ता बिल्ली मनुष्य जो भी आए हैं उन लोगों को छूट के जाना है। तो इसमें क्या आपने वो बताए थे ना कि कल्प वृक्ष दे देंगे तो इंसान क्या करेगा? अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, ऐसा सोचेंगे। तो ये आम चाहिए तो आम मिल जाए, जाम चाहिए तो जाम मिल जाए, और बाद में मुझे बाघ आके खा ले गया तो बाघ सचमुच आ जाएगा। तो इंसान इतना मूर्ख है तो भगवान वो चीज नहीं देगा। क्योंकि इंसान इतना मूर्ख है कि मांगना भी नहीं आता क्या मांगना चाहिए, जिसके कारण कल्प वृक्ष नहीं। चलिए दलिया माता जी का प्रश्न है, आपका कुछ प्रश्न है गीता माता जी? नहीं अभी तो कुछ नहीं है फिलहाल। ठीक है माता जी, चलिए दलिया चक्रवर्ती माता जी अपना अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, नमस्कार। मेरा कुछ प्रश्न नहीं है, लेकिन मेरा मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो नोट करना है वो आप
बोल दीजिएगा कि पहले से ही ये नोट कीजिए, नहीं तो जब बोलते बोलते नोट बोलते हैं कि नोट कीजिए तो तब थोड़ा सा ये हो जाता है। नहीं नहीं ये तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, कौन सा इम्पोर्टेंट आपके लिए कौन सा लागू होगा इम्पोर्टेंट वो तो मुझे पता नहीं ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इस भौतिक जगत रूपी ये पंछी फंसा हुआ है पिंजरे में तो कैसे निकलना है ना, तो अभी आपको सोचना है कि क्या आप फील करते हैं कि आप पिंजरे के अंदर बंद है पंछी की तरह, तब आप उसे नोट बना सकते हैं। तो विषय वस्तु नोट बनाएंगे सभी आपका जो चीज आभास लगे कि ये मेरे लिए उपयोगी है वो बनाना है, ऐसा नहीं कि मैं जो बोलूं वही आपको नोट बनाना, ऐसा कुछ नहीं। आप नोट बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कि कौन मेरे लिए उपयोगी है और मेरे लिए कौन सा फायदा। मेरे बाबू दो दिन से लिखे, दो दिन से मैं वो लिख रही हूँ, लेकिन वो आज बोला ना कीजिए ये नोट कीजिए, तो मैं वही बोला कि आप पहले बोल देते तो नोट करने में जल्दी मतलब ये होता है, प्रॉब्लम नहीं होता है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए कोमल ढाले प्रभु जी कुछ बोलना चाहेंगे, हम लोग आज वांछा कल्प उत्तर करेंगे, हमारा समय हो गया है। राकेश प्रभु जी तो श्रवण करते हैं, प्रभु जी कुछ कमेंट अगर है तो बोल सकते हैं। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी आज वांछा कल्प हम लोग का समय बस हो गया, 8 मिनट जो है मात्र बाकी है। चलिए आपको अच्छा लग रहा है ना प्रभु जी, मैं फीडबैक जानना चाहता हूँ। भागवत जो ऐसा चीज है कि आप ही बोले हैं कि जितने बार सुनेंगे उतना बार नयापन जो है, नहीं माता जी बोले जितना बार सुनेंगे उतना न्यू हमेशा जो है कुछ ना कुछ नया रहेगा, ये तो है कि। चलिए प्रभु जी आपकी लगन और आपकी ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट आप सब समय जुड़े हुए, चाहे दुकान में हो, बाजार में हो, ऑफिस में हो, जहाँ भी है सब समय आप कनेक्ट रहते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक इच्छा है कि कैसे हूँ जो है भागवतम सुन लें, गीता का सार ही मेरा जीवन चेंज किया है, मेरा लाइफ का चेंजिंग गीता सार से, वो हम गीता सार बांटते भी हैं, छोटा छोटा अथी लाते हैं और सबको बांट देते हैं, इसी को इस पढ़ो, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं को दिया, लेकिन जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा, और अंत में बोलते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसलिए हम इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, परिवर्तित होना है। तो जीवन का गीता का मूल सार जो है लाइफ को हमारा चेंज किया, हम साक्षात दिखाई देता है, देखिए जो बोले हैं प्रभु हो रहा है, सामने दिखाई पड़ रहा है। चलिए ठीक है प्रभु जी आप अपना फीडबैक देने के लिए, तो चलिए एक साथ हम लोग मिलकर वांछा कल्पतरु करके आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय, समवेत गौर भक्तविंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, लक्ष्मीपति जगन्नाथ देव महाराज की जय, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय जय।